हाय स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब क्लास को मुझे डीके सार स्वागत जनाऊँ। पाने पूर्व वीडियो रे आमे करथिले एक्सरसाइज 1D क्लास 9 जियोमेट्री रो क्वेश्चन नंबर 8 पर्यंत करथिले। आज आमे क्वेश्चन नंबर 9 रु स्टार्ट करिबा। तबे आस पिला माने आज आउ डेरी न करी क्वेश्चन नंबर 9 रु स्टार्ट करिबा। देखिया प्रथमे क्वेश्चन नंबर 9 रे कौन कहिजी क्वेश्चन, आमे क्वेश्चन टिकु लिखि देबा एवं ता भितरे कौन दत्त अच्छे प्रामाण्य से गुड़िक आम बाहर करवा। ये क्वेश्चन नंबर 9, प्रमाण कर जे कौनसी त्रिभुजर प्रमाण कर जे कौनसी त्रिभुजर प्रत्येक जोड़ा कोणर प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाणर समष्टि परिमाणर समष्टि तृतीय कोणर परिमाण तृतीय कोणर परिमाण ठारु बृहत्तर हेले ठारु बृहत्तर हेले त्रिभुजटी सूक्ष्मकोणी त्रिभुजटी सूक्ष्मकोणी। एक आम प्रमाण करवा त्रिभुजटे सूक्ष्मकोणी बोली प्रमाण करवा। ताल देख पे एम कौन दत्त अच्छी कौन आमको प्रमाण करने को जानवा। ये देख प्रमाण कर जे कौन सी त्रिभुजर प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाण समष्टि ये हूँ दत्त। जेकोसी कौनसी त्रिभुजर प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाणर समष्टि तृतीय कोणर परिमाण ठारु बृहत्तर हेले ताले ये होची दत्त। कौनसी त्रिभुजर प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाणर समष्टि तृतीय कोणर परिमाण ठारु बृहत्तर ये होची दत्त। सेतिके हेले प्रमाण करिया कौन ना त्रिभुजटी सूक्ष्मकोणी अटे। ताले ये आम प्रमाण करवा त्रिभुजटी सूक्ष्मकोणी अटे अर्थात आम यहीटा को प्रामाण्य नवा एवं एगुड़िक जो गार सीधा गार पकईचे से गुड़िक आम दत्त अच्छी से अनुसार नवा। तेब सब पाने गोटे चित्रटे करदे चित्र कलापर प्रश्न अनुसार आम देखा चित्र को देखिक आम लिखा कौन दत्त अच्छे कौन प्रमाण करियार अच्छे। तेल आम ए सी है गोटे त्रिभुज ताल गोटे त्रिभुज नहीं जावा तेल गोटे त्रिभुजर तीन कोण समष्टि गोटे त्रिभुजर आम ए सी त्रिभुजटे अंकन करदे मन रख पाने आमर जदि त्रिभुज अंकन नक चित्र नक आम जीरो पाइबा। तेणु आम प्रत्येक क्षेत्र में यह डिडक्शन कि थियोरम कला बेले चित्र को प्रथम कर चित्र दत्त प्रामाण्य अंकन प्रमाण जदि अंकन दरकार थे अंकन करवा जब दरकार नंकन करवा प्रमाण करवा आम चित्र लिखा आम कौन दत्त अच्छे आम लिखा ये दत्त दे त्रिभुज ए बी सी रे दत्त लिखा दत्त हूँ ए बी सी एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी रे त्रिभुज ए बी सी रे से कहि प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाण समष्टि तृतीय कोण ठारु कोणर परिमाण ठारु बृहत्तर त्रिभुज रे कौन देला प्रथम देला मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ये प्रथम
तो द्वितीय कहला मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए एवं तृतीय कहला मेजरमेंट ऑफ सी एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी से कही पा देख कौन सी त्रिभुजर प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाण समष्टि प्रत्येक जोड़ा कोणर परिमाण समष्टि तृतीय कोणर परिमाण ठारु बृहत्तर ता अर्थात आमको एतिकी तीनोटी कथा कहला ए कोणर परिमाण प्लस बी कोणर परिमाण इज ग्रेटर देन सी कोणर परिमाण पुणी कहवा बी कोणर परिमाण प्लस सी कोणर परिमाण इज ग्रेटर देन ए कोणर परिमाण पुणी कहवा सी कोणर परिमाण प्लस ए कोणर परिमाण इज ग्रेटर देन बी कोणर परिमाण ये दत्त अछि आमे प्रमाण करिबा जे ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज ये प्रामाण्य लिखि देबा तो प्रामाण्य ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज एक सूक्ष्मकोणी ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज ये कथा आम प्रमाण करवा ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज अर्थात आम प्रमाण करवा जे ए बी सी त्रिभुजर प्रत्येक कोण गोटे गोटे सूक्ष्मकोण हम एक आम प्रमाण करवाकूबा तापर आसवा आम ये अंकन दरकार नहीं प्रमाण को आसवा अवश्य चित्र रे किसी कम ना कि आमको चित्रटा करा पड़ो कहीं चित्र नक आम मार्क कटिजी तेल प्रमाण लिखा आमे गोटे प्रथम कंडीशन टी नहीं जा प्रथम कंडीशन अच्छी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये दत्त अच्छी लिखा दत्त अच्छी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये दत्त अच्छी आमे उभय पार्श्वरे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी गोटे जोग करदे ये देख पे ए कोणर परिमाण अच्छी बी कोणर परिमाण अच्छी बाम पार्श्वरे आमे सी कोणर परिमाणटे उभय पार्श्वरे जोग करदे जोटा ना आम देखा ए कोण अच्छी बी कोण अच्छी सी कोण ना तेणु जो कोणटी ना से कोणटी को आम जोग करदे अर्थात आम सी कोण जोग करदे अतएव मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ताल जदि आम गोटे निर्दिष्ट राशि आम उभय पार्श्वरे जोग कर दिंती ताले जो चिन्ह मझे थिला से चिन्हर आ कोनोसी परिवर्तन घटिबो नाही अर्थात बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व भितर संपर्क जहाँ थिला से रहिबो ताले एठी आम कोन करचंदे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को उभय पार्श्वरे जोग कर दैचंती सेटा को आम लिखि देबा उभय पार्श्वरे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जोग कले उभय पार्श्वरे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जोग कले ताले एति पाई गले सो अर्थात ये ए कोण गोटे त्रिभुजर ए कोण परिमाण प्लस बी कोण परिमाण प्लस सी कोण परिमाण ये होची 180 डिग्री तुम जानिच ये है 180 डिग्री इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ताले दुईटा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हो गला ताले मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आम जमी करते एक्स प्लस एक्स टू एक्स वाई प्लस वाई टू वाई ए प्लस ए टू ए से भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है टू इंटु मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये देखा ताले आमे कही पारे उभय पार्श्वरे आमे जदि दुई हरिदेबा 180 डिग्री बाय टू इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बाय टू ताले उभय पार्श्वरे आमे दुई भाग करदेले ताले एठी आमे लिखिदेबा त्रिभुजर तीन कोण परिमाण त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि शहे अशी डिग्री ताल एक आम जानते ए कोण मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी
जो तीन टांगर समष्टि 180 डिग्री आम से लिखिदेले ताले एठी उभय पार्श्वरे दुई भाग कर देले ए दुई दुई कटिगला एठी कटिगले एला 90 डिग्री 90 डिग्री इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। देख पिला माने 180 बाय 2 हला 90 एवं 2 2 ए डाहन पार्श्वरे कटिगला ताले 90 डिग्री इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। देख पिला माने जदि 90 डिग्री टा सी कोण रो मेजरमेंट थारो बडो हला ताले आमे कहि परिया सी कोण रो मेजरमेंट 90 डिग्री थारो सान हबो अर्थात सी कोण रो मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री अतएव सी कोण सूक्ष्म कोण तले देख आम कौन पाइले ना सी कोण रो परिमाणटा लेस देन 90 डिग्री होगा आम जानते जो कोण रो परिमाण 90 डिग्री रो सान ताको आम सूक्ष्म कोण कहवा तेणु सी कोणटा सूक्ष्म कोण होगा ताले एठी जोटा आमे करचंदी आमे एटा 1 2 3 देइचंदी आको आमे इक्वेशन 1 2 3 दे देले भलो हबो आमको लेखिया पई सुविधा हबो आमे 1 2 3 न देखरी इक्वेशन 1 2 3 दे देले आमको सेय अनुसार इंस्ट्रक्शन दबा को सुविधा हबो ताले आमे समीकरण 1 को नेकी देख पिला माने समीकरण 1 को नेकी प्रमाण कर जे सी कोण सूक्ष्म कोण सेई परी यटा लिभे दौच पे आम लिखापी सुविधा हे जग असुविधा हे टे यहाँ लिभे दौचे कि तुम्हें लिभे बनि जगह अभाव थी लिभे दौचे बर्तन से समीकरण दुई से समीकरण दुई रे मेजर ऑफ एंगल ए जोग करवा कहीं बी अच्छी सी अच्छी ए जोग करवा मेजर ऑफ एंगल ए एवं समीकरण तीन रे मेजरमेंट ऑफ एंगल एटे सी अच्छी ए अच्छी बी जोग करवा बी जोग करी प्रमाण करा जाय पारे जे यथाक्रमे प्रमाण करा जाय पारे जे यथाक्रमे प्रमाण करा जाय पारे जे गोटे प्रमाण कर दे कि अन्य गुड़ा सेमती लिख देवा प्रमाण करा जाय पारे जे प्रमाण करा जाय पारे जे एटी कह आमे मेजरमेंट ऑफ ए कोण ओ बी कोण एक केस रे आमे दुई रे पाइबा ए कोण सूक्ष्म कोण एवं द्वितीय रे पाइबा थर्ड तृतीय रे पाइबा सी कोण बी कोण सूक्ष्म कोण द्वितीय रे पाइबा ए कोण सूक्ष्म कोण ए कोण ओ बी कोण सूक्ष्म कोण आमे दुई थर न लिखिकी थर करे एकाचे दुईटा को मेंशन कर देले देख पिल माने आउथर कहबी सेई परी समीकरण दुई रे आमे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जोग करिबा बा ए कोण रो परिमाण को जोग करिबा समीकरण दुई रे उभय पार्श्व रे लिख देबा उभय पार्श्व रे उभय पार्श्व रे लिख देबा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एवं समीकरण तीन रे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जोग करी यथाक्रमे प्रमाण करा जाय पारे जे ए कोण एवं बी कोण सूक्ष्म कोण आम एकाछके दुटा को लिख देले अर्थात अर्थात बा अतएव ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज देख पाला मैंने आम प्रमाण कर सूक्ष्मकोणी त्रिभुज आर अर्थात आर प्रत्येक कोण सूक्ष्मकोण आम प्रथम कहले सी कोणटा सूक्ष्मकोण बर्तमान ये समीकरण दुई और तीन रे उभय पार्श्व ए कोण परिमाण और बी कोण परिमाण यथाक्रमे जोग कर देगी से भाई कहींपर समीकरण दुई रे कहींपर ए कोण सूक्ष्मकोण समीकरण तीन रे कहींपर बी कोण सूक्ष्मकोण अर्थात ए कोण बी कोण तीन सी कोण तीन टा सूक्ष्मकोण है अर्थात ए बी सी एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सो यही भाव में प्रमाण करपर पे ये बहुत इंपोर्टेंट बहुत समय परीक्षा पड़े भल भाव टी प्राक्टिस कर बेस कष्ट नुहे तुम्हें जब टी ध्यान देव आराम क्वेश्चन में तुम फुल मार्क फुल मार्क आनीपर एवं आस आम क्वेश्चन नंबर 10 को
क्वेश्चन नंबर 10 रे कौन कही देखिया क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन 10 रे कही त्रिभुज एबीसी रे क्वेश्चन नंबर 10 देख त्रिभुज एबीसी रे मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी बी कोण एबीसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी एबीसी इज इक्वल टू एसीबी बीएसी कोण रो समद्विखंडक बीएसी कोण रो समद्विखंडक बीएससी कोण रो समद्विखंडक बीएससी कोण रो समद्विखंडक बीसी को डी बिंदु रे छेद करे बीसी रेखाखंड को डी बिंदु रे छेद करे डी बिंदु रे छेद करे प्रमाण कर जे ए डी बी सी प्रतिलंब ए डी बी सी प्रतिलंब ये आम प्रमाण करवा ए डी बी सी प्रतिलंब ये हूँ क्वेश्चन पे तो आम देखा ये सामान्य कथा कौन दत्त अच्छी कौन प्रमाण्य प्रामाण्य अच्छे आम से अनुसार टे देखा एवं देखा त्रिभुज एबीसी रे एबीसी कोण यहीटा दत्त अच्छी एबीसी कोण मेजरमेंट एसीबी कोण सहित सामान एवं बीएससी कोण समद्विखंडक बीसी को डी बिंदु छेद कर एक प्रामाण्य है ए डी बी सी प्रति लंब ये हूँ प्रामाण्य देख पे सीधा गार जो पकई अच्छी दत्त ये हूँ जो कर्व गारा पकई वक्ररेखा पकई से हूँ प्रामाण्य तेणु से ही अनुसार आम चित्रटे चित्र कलापर आम प्रमाण दत्त प्रमाण्य लिखा त्रिभुज एबीसी रे एबीसी मेजर एबीसी कोण एबीसी कोण इज इक्वल टू मेजर एसीबी कोण ए दुटा कोण समान बोल दे दीची मेजर एबीसी इज इक्वल टू मेजर एसीबी ये दे दीची एवं बीएसी कोण रो समद्विखंडक बीएसी कोण रो समद्विखंडक ए कोणटी ए कोण सहित समान ये समद्विखंडक समद्विखंडक बीसी को डी बिंदु रे छेद करे प्रमाण करवा जे ए डी बी सी प्रति लंब तो चित्रटा आम से कले तेणु टिके बेटर हम टे चित्रटा करनवा तो एनवे ये चित्र आम प्रमाण करवा ए डी बी सी प्रति लंब लंब भाई टे देखाईगले भल हम जदि आम अंकनटा से करते भल होता ए डी बी सी प्रति लंब एठी आम चित्रटा टिके बदल देवा लंब भाई टी देखाईगले भल हम देख ताले ये अच्छी आम प्रमाण करिया ए डी बी सी प्रति लंब ताले एबे आम आसीबा दत्त को तो दत्त लिखा त्रिभुज एबीसी रे मेजर एबीसी जहाँ देची आम लिखिद मेजर एबीसी इज इक्वल टू मेजर एबीसी इज इक्वल टू मेजर एसीबी एवं बीएससी कोण जहाँ दत्त क्वेश्चन अच्छे आम से अनुसार लिखिदेपर एवं
ବିଏସି କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ବିଏସି କୋଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ବିସିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ବିସିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେଲେ ବିସିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟି ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ବି ଏ ଡି କୋଣ ମେଜର ବି ଏ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ସି ଏ ଡି କୋଣ ମେଜର ବି ଏ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ସି ଏ ଡି କୋଣ ଇଏ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ପାଇଲେ ମେଜର ଏ ବି ସି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ଏ ସି ବି କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ମେଜର ବି ଏ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ମେଜର ସି ଏ ଡି କୋଣ ଇଏ ବି ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କହିବା ଏ ଡି ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏ ଡି ଲମ୍ବ ବି ସି ଇଏ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ଡି ଲମ୍ବ ବି ସି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏ ଡି ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଏଇ ଆଇଦର ଏଇ କୋଣ କିମ୍ବା ଏପଟ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଏ ଡିଟା ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କିଭଳି ଏ ଡି ସି କୋଣ କିମ୍ବା ଏ ଡି ବି କୋଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ କାମ ତ ସେତିକି କରିଦେଇପାରିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିଦେଇପାରିବା ଯେ ଏ ଡି ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆମେ ଅଙ୍କନ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ପ୍ରମାଣ ସହଜଟା ଏଇଟା ଆରାମରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ଟିକିଏ ବୁଝିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡିରେ ଦେଖ ବୋଲେ ମାନେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଗ ନେଇଯିବା ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ ବି ଏ ଡି ମେଜର ବି ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ ଏ ଡି ବି ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ ଏ ଡି ବି ପ୍ଲସ୍ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ ଏ ଡି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ଏକ କୋଣ ଦୁଇ କୋଣ ତିନି କୋଣ ଇଏ ମିଶିକି ହେଇଗଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକିନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ 1, 2, 3 କରିକି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା'ର ନାମ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଚାରି କୋଣ ପାଞ୍ଚ କୋଣ ଏବଂ ଛଅ କୋଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟାକୁ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେହିପରି ଏଇଟାକୁ ସମୀକରଣ 1 ଦେଇପାରିବା ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ ସି ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ ଏ ସି ଡି ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଏ ଡି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆକୁ ସମୀକରଣ 2 ଦେଇଦେବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆମେ କଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡିରେ ଏକ କୋଣ ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ଇଏ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡିରେ ଆମେ କହିଲେ ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଛଅ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ଆମେ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ପାଞ୍ଚ କୋଣର ପରିମାଣ ଛଅ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଲା ନା ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କ'ଣ
ना दुईटांक कोण दुईटांक समीकरण एक आ दुई रु कौन पाइबा ना एटा इज इक्वल एटा कहबा ना कहीं तीनटा मिसिकी शहे अच्छी ये तीनटा मिसिकी शहे अच्छी तेणु ये तीन टार समष्टि जहाँ हम द्वितीय इक्वेशन तीन टार समष्टि से हम ताले अत लिखा अत समीकरण समीकरण एक ओ दुई रु एक ओ दुई रु आम कौन पाइले ना मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी बाम पार्श्व जहाँ अच्छी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी ए डी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी दीटा ए डी होगा बी ए डी ए बी डी एटा ए बी डी सॉरी ए बी डी एक बोला ना एक कोण दुई कोण तीन कोण ये तीन टा मिसला ए ला ए बी डी ए बी डी प्लस ए डी बी ये प्रथम इक्वेशन जो तीन टा अंग थिला बाम पार्श्व रे इज इक्वल टू द्वितीय इक्वेशन जो बाम पार्श्व अछि सी ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी ताने अर्थात कौन बर्तमान पाइले देख एक कोण परिमाण प्लस दुई कोण परिमाण प्लस तीन कोण परिमाण इज इक्वल टू चार कोण परिमाण प्लस पाँच कोण परिमाण प्लस छः कोण परिमाण इति कथा आम पाइले मुझे एक दुई तीन चार कर बुझे दौर कि लिखला बेले से अनुसार लिखुचु किंतु पूर्वर आम कही ए बी सी कोण इज इक्वल टू ए सी बी कोण देख ए बी सी कोण अच्छा ए बी डी मुझे लिखिदे ए बी सी कोण लिखिदा अच्छा हाँ ये लिखिदीपर ताले ए बी सी जी ए बी डी सी सी हे ताले ए बी डी कोण एवं सियाड़े कौन ए सी डी कोण ए दुटा कोण समान देख पे ए बी डी कोण एवं ए सी डी कोण आम सामान पाई अच्छा पुणी कहले ए डी बी ए बी ए डी कोण बी ए डी कोण इज इक्वल टू सी ए डी कोण ये भी दत्तर अच्छी दुटा सामान बोली दत्तर अच्छी ताले आम लिखा अर्थात बाम पार्श्वर यहाँ पाईगले लास्टा ए डी बी कोण मेजर ए डी बी कोण इज इक्वल टू डाण पार्श्वर पाइले मेजर ए डी सी कोण कहीं जेहेतु मेजर बी ए डी कोण मेजर बी ए डी कोण इज इक्वल टू मेजर बी ए डी कोणटा सी ए डी कोण ये थिला कौन ये थिला दत्त एवं एवं मेजर ए बी डी कोण मेजर ए बी डी कोण मेजर ए बी सी कोण देख मेजर ए बी सी जहा मेजर ए डी बी से मेजर ए बी सी जहा मेजर ए डी बी से तेणु ए बी सी कोण इज इक्वल टू मेजर बा मेजर ए डी ए बी डी कोण आम लिखिदर मेजर ए डी बी कोण ए बी डी कोण इज इक्वल टू मेजर ए सी डी कोण मेजर ए सी डी कोण ताल ए दीटा कोण समान ये भी दत्त अच्छी ताल ए जो आम लिखिंट ए बी सी लिखिंट तुम्हें ये ए बी सी कोण जहाँ ए सी ए बी सी कोण जहाँ एवं ए सी ए बी डी कोण से एवं ए सी बी कोण जहाँ ए सी डी कोण भी से देख यही कोणटा को आम ए बी डी कहींपर कि ए बी सी कहींपर आम ए बी डी जगार ए बी सी लिखले भी असुविधा ना ए सी डी जगार ए सी बी कोण लिखले भी असुविधा ना से अनुसार आम लिखिदर ताल ए दुईटी कोण समान होगा कौटा तीन कोण देख पे तीन कोण आ चार कोण परिमाण समष्टि होगा शहे से डिग्री जदि चार कोण तीन कोण आ चार कोण समान होगा किंतु ये दुईटी कोण परस्पर कि कोण सन्निहित परिपूरक कोण मार्कर पे तीन कोण और छह कोण परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण किंतु मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी
खाली कोण कह एडीबी कोण एडीबी कोण ओ एडीसी कोण ए दुईटी कोण कोण दुईटी सन्निहित परिपूरक कोण बाय आमे कहीदे पर समस्ते कहीदे भल हम किंतु मेजर एडीबी कोण प्लस मेजर एच एडीसी कोण इजिक्वल टू 180 डिग्री इजिक्वल टू 180 डिग्री कहीं ना सन्निहित परिपूरक कोण सन्निहित परिपूरक कोण हेतु आमे दुटा मिसिकी 180 डिग्री देख पे मैंने ए दुईटी मिसिकी 180 एवं एटा सहित सामान तमें कहीं पाए कौन पाया अतएव कह मेजर एडीबी इजिक्वल टू मेजर एडीबी एडीबी इजिक्वल टू मेजर एडीसी इजिक्वल टू 90 डिग्री अतएव अर्थात एडी लंब बीसी ये प्रमाणित तो ये है प्रमाणित देख फिर मैंने आउ थे मुझे तो बर्तमान आम कह त्रिभुज त्रिभुज पाया एक कोण दुई कोण तीन कोण परिणाम समष्टि 100 डिग्री एवं यही त्रिभुज पाया चार कोण प्लस पाँच कोण प्लस छः कोण परिणाम समष्टि 100 डिग्री ताल दुईटा इक्वेशन पाया एक कोण दुई कोण तीन कोण परिमाण समष्टि प्लस इजिक्वल टू चार कोण पाँच कोण छः कोण परिमाण समष्टि से आम पाइले एक कोणटा चार कोण सहित सामान बाद देदेले दुई कोणटा पाँच कोण सहित सामान बाद देदेले अतः तीन कोण इजिक्वल टू छः कोण परिमाण परिमाण सामान होगा अतः किंतु ये दुईट परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण हेतु तीन कोण प्लस मेजरमेंट प्लस छः कोण मेजरमेंट है 180 डिग्री अतएव तीन कोण परिमाण इजिक्वल टू छः कोण परिमाण इजिक्वल टू 90 डिग्री अतएव एडी लंब बीसी तो यही भाव में यहाँ को आम प्रमाण करें एडी लंब बीसी सो ये समीकरण ये द्वितीय प्रमाण तो यही भाव में आम प्रमाण करदेपर तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देन आसवा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 रे कौन कहला देख पे मैंने त्रिभुज एबीसी रे बी कोण ओ सी कोण रो बही समद्विखंडक द्वय बी कोण ओ सी कोण रो बही समद्विखंडक द्वय परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करती परस्पर को आम सॉरी आम 11 नंबर क्वेश्चनटा भूल लिखिली सो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा त्रिभुज ए बी सी रे बी कोण रो अंत समद्विखंडक बी कोण रो अंत समद्विखंडक एवं सी बिंदु रे उत्पन्न एवं सी बिंदु रे उत्पन्न सी बिंदु रे उत्पन्न बहिस्त कोण रो समद्विखंडकर
ବୟସ୍ତ କୋଣର ସମଧିଖଣ୍ଡକର ବୟସ୍ତ କୋଣର ସମଧିଖଣ୍ଡକର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଇ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଇ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ମେଜର୍ ବି ଇ ସି ମେଜର୍ ବି ଇ ସି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜର୍ ଏ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜର୍ ଏ କୋଣ ତ ଇଏ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ଚିତ୍ରଟା ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଇଏ ହେଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ହେଲା ଡି ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ହେଲା ଇ ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ଅନ୍ତଃସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ କହିଛି ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଇଏ ବୟସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅନୁସାରେ ମେନସନ୍ କରିଛି ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚିତ୍ର ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲା ଟିକେ ମାର୍କର ତ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି କୋଣର ଅନ୍ତଃସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ସି କୋଣର ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ ବହିସ୍ତ କୋଣ ରହିଲା ତା'ର ବହିସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପରସ୍ପରକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ସେତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଛି ଦତ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି କୋଣର ଅନ୍ତଃସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହିସ୍ତ କୋଣର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ବହିସ୍ତ କୋଣର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଇ ଇଏ ହେଲା ଦତ୍ତ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମେଜର୍ ବି ଇ ସି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏ ତ ଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା ତ ଦତ୍ତ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି କୋଣର ଅନ୍ତଃସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ଏବଂ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେବା ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହିସ୍ତ କୋଣର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ବହିସ୍ତ କୋଣର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପରସ୍ପରକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଇ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଇ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବା ଅତଃ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ବି ଇ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଏ ବି ଇ କ'ଣ ଏ ବି ଇ କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସି ବି ଇ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଏକ କୋଣଟା ଦୁଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଏ କଥା ଆମେ କହିଦେଇଛେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛେ ନା ଏବଂ ଏ ସି ଇ କୋଣ ମେଜର୍ ଏ ସି ଇ କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର୍ ଡି ସି ଇ କୋଣ
ये भी दीटांक दे देची ये आम जो समधिकोण देची से आम एक कथा पाइले देख पे मैंने ये है तीन कोण ये है चार कोण ताल आम कहले एक कोणटा दुई कोण सहित सामान अर्थात तीन कोणटा और तीन कोणटा चार कोण सहित सामान कहीं ये आर समधिखंडक ये आर समधिखंडक परस्पर को युविंद्र सहित कराण्य कौन ना प्रामाण्य है जहाँ आमको क्वेश्चन दे दी से लिखिद प्रामाण्य प्रामाण्य है मेजर बी सी कोण मेजर बी सी कोण यही कोणटा मेजर बी सी कोण माने यही कोणटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंगल ए हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एक कथा आम प्रमाण करिवको जिबा एबे आम एठी अंकन तो दरकार नहीं एबे प्रमाण को आसीबा तो प्रमाण कहिबा तो यही एक कोणटा दुई कोण सहित सामान तो आम कहीदे आग दत्त अच्छी क्वेश्चन आमको देखा जोटा दत्त अच्छे आम लिखिदे तो तापर आम लिखा त्रिभुज ए बी सी रे प्रमाण प्रमाण को आसवा त्रिभुज ए बी सी रे मेजर ए सी डी कोण मेजर ए सी डी कोण देख ए बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण समस्या सामान तो इज इक्वल टू मेजर ए कोण प्लस मेजर बी कोण कारण कौन जेहेतु बहिस्थ कोणर परिमाण परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाणर समष्टि कोण कोण द्वयर लिखिदा कोण द्वयर परिमाणर समष्टि सह समान ताले बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि समान ये आमको जानते ये दे देची ताले ए सी डी कोणर मेजरमेंट इज इक्वल टू ए कोणर मेजरमेंट प्लस बी कोणर मेजरमेंट एक आम जानते अर्थात बर्तमान आम कह ताले ए सी कोणटा के ए सी कोण मार्कर पे मैंने ए सी कोणटा के ए सी डी कोणर अधा किंतु ए सी कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी डी कोण ए सी डी कोण तो दत्त अनुसार दत्त अनुसार केमती है देख पे मैंने यही कोण तीन कोणटा चार कोण सहित सामान जेहेतु तीन कोणटा चार कोण सहित सामान ताल एसी डी कोण है एसी डी कोण है एसी कोणर दुई गुण अर्थात एसी कोण है एसी डी कोणर अधा कहीं यहाँ जीटा सेटा हो गला तार आर अधा तो हाफ अफ एसी डी कोण आम लिखिपर तो से इज इक्वल टू के हाफ अफ एसी डी कोण को आम लिखिंटे ये हाफ अफ एसी डी कोणटा के हाफ अफ मेजरमेंट अफ आंगल ए प्लस मेजरमेंट अफ आंगल बी देख पे मैंने जो एसी डी कोण लिखिंटे ये एसी डी कोणटा आम लिखिदेपर मेजरमेंट अफ आंगल ए प्लस मेजरमेंट अफ आंगल बी बा ए कोणर परिमाण प्लस बी कोणर परिमाण ताल इज इक्वल टू लिखिदेपर के हाफ अफ मेजरमेंट अफ आंगल ए प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ताले ए कोणर परिमाणर अधा एवं बी कोणर परिमाणर अधा सहित समान हो गला एती कथा आमे समीकरण एक लिखिदा ये समीकरण एक रे कथा आमे पाइले कोटा ना एसी कोणटा लिखिदेले बर्तमान आम कह त्रिभुज ए बी सी रे त्रिभुज ए बी सी रे त्रिभुज ए बी सी रे मेजरमेंट ऑफ ए प्लस ए कोणर परिमाण प्लस बी कोणर परिमाण प्लस सी कोणर परिमाण इज इक्वल टू 180 डिग्री कौन पाए ना जेहेतु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि जेहेतु त्रिभुजर
तीनी कोणर परिमाणर समष्टि शहे अशी डिग्री। देख पे त्रिभुज ए बी सी रे आम पाया ए कोणर परिमाण प्लस बी कोणर परिमाण प्लस सी कोणर परिमाण है शहे अशी डिग्री। तेल यू आम जदि आम सबुथे हाफ गुणी दबा अच्छा एति की थाउ एटा बी सेति की थाउ इक्वेशन वन टू दे दबा एटा को इक्वेशन टू दे दियो ये है समीकरण दुई। तो एति रे छाड़िया बर्तमान त्रिभुज बी सी रे त्रिभुज बी सी रे मार्क कर पे माने त्रिभुज बी सी किए ना त्रिभुज बी सी यही जो त्रिभुज मार्क कर त्रिभुज बी सी रे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी सी अच्छा ई बी सी के हम ना हाँ से पचर लिखा मेजरमेंट ई बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एटा है सी ये कौनटा हो गला सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री कहीं त्रिभुजर कोणगुड़िकर समष्टि कोणगुड़िकर समष्टि खाली लिखिदेव त्रिभुजर कोण मानकर समष्टि कोण मानकर परिमाणर समष्टि कोण मानकर कोण मानकर परिमाणर समष्टि 100 डिग्री त्रिभुजर कोण मानकर समष्टि 100 डिग्री ताले ये हम पाइगले तो अर्थात देख मेजरमेंट ऑफ ईबीसी केते मेजरमेंट ऑफ ईबीसी है बी कोणर अधा एटा लिखिदेव हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी कहीं ना मेजर ईबीसी है जेहेतु मेजर ईबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कहीं आम कहते एक कोणटा दुई कोण सहित सामान तेणु ये दुई कोणटा के ना ये पूरा कोण बी कोणर अधा सहित सामान हे दुई कोणटा बी कोणर अधा सहित सामान हे तो प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी ई जगह आम पाई ए सी जगह पाई हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक समीकरण एक को देख हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी यहाँ समीकरण एक रू पाई ए सी कोणटा के हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी ताले ए कोणर परिमाण अधा प्लस बी कोणर परिमाण अधा एटे लिखिदे एवं बी सी लिखिदे सेमती बी सी रहा बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बर्तमान मार्क कर पे मैंने ये अच्छे बी कोणर अधा ये भी अच्छी बी कोणर अधा तेणु आम बी कोणर अधा दुटा मिसीगला ए कोण ताले आमे सॉरी बी कोण हो गला दीटा बी कोणर अधा अच्छे माने एटा पूरा बी कोण हो गला आमे लिखिदबा टिके सजाई देले भल हबो ताले हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए उभय पटे आमे जोग कर दवा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख कौन कले ताले ये जो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए उभय पटे जोग कर दिले प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ताले उभय पटे ए हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए जोग कले लिखि दियो एटी उभय पार्श्वरे उभय पार्श्वरे हाफ मेजरमेंट ऑफ ए जोग कले ताले हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए उभय पटे जोग करदे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମାର୍କର ପିଲାମାନେ, ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ, ଇଏ ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ କ'ଣ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି, ଇଏ ହେଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି, ଦୁଇଟା ଅଧା ମିଶିଗଲେ ଗୋଟା ହେଇଗଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏ, ଏତିକି ପାଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଲିଭିବା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଜାଗା ହେବନି, ଟିକେ ଆଉ ଦିଧାଡ଼ି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ତାହେଲେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସି ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମେଜର ଇଏ ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ, ଏଇଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିକୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଠି 180 ବସେଇଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡାହାଣ ପଟ ରହିଲା ହାଫ୍ ଅଫ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ଇ ସି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜର ଅଫ୍ ଏ ମାଇନସ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା କଟିଗଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଇଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ରହିଗଲା କେତେ, ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ସରିଲା ପ୍ରମାଣିତ, ଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ସୋ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିବା ଏଇଭଳି, ତ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ହେବନି ପିଲାମାନେ, 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, 9, 10, 11 କଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କରିବା। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇବ, ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କୋର୍ସକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମାଥମେଟିକ୍ସ 100 100 ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୋର ହେଲ୍ପ ନିଅ, ମୋର ହେଲ୍ପ ନେଲେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣା, କିମ୍ବା ମୋତେ ଫୋନ୍ କର, ଫୋନ୍ କରିକି ତୁମେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ନେଇକି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।